दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सच की रफ्तार। इंडो नेपाल ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आगाज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ, जिसमें भारत के अलग अलग राज्यों से बच्चों ने हिस्सा लिया। उसके अलावा भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल से भी बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि इसमें छोटी उम्र के बच्चों के अलावा लड़कियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस पूरे चैंपियनशिप को स्टर्लिंग ताइक्वांडो के द्वारा आयोजित किया गया। दोस्तों इस ताइक्वांडो चैंपियनशिप में सच की रफ्तार के एडिटर इन चीफ धर्मवीर जारवाल को भी इवेंट सपोर्ट पार्टनर के खिताब से नवाजा गया। दोस्तों देखिए सच की रफ्तार के संवाददाता राजन राही की एक खास रिपोर्ट। जी नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही, सच की रफ्तार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मैं हूँ। हमारे साथ है जितेंद्र ठाकुर जी। ठाकुर जी शोले फिल्म में एक डायलॉग था, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, लेकिन जितेंद्र ठाकुर जी ने वही बच्चों के हाथ इतने मजबूत कर दिए कि वो अपनी आत्मरक्षा और अपना सुनहरा जीवन और सुनहरा आने वाला भविष्य तय कर सकते हैं। जितेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर आज का जो कार्यक्रम है इसकी पूरी जानकारी हमें दीजिए। सर देखिए, ये जो इवेंट है इसका नाम है 2021 इंडो नेपाल इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप, और इसमें ऑल ओवर इंडिया से बच्चों ने पार्ट किया है। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के बच्चे, इवन आसाम, दार्जिलिंग, नागालैंड, हर जगह से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और नेपाल से हमारी काफ़ी अच्छी टीम आई है, वहाँ की एक नेशनल टीम है जो कि ओलंपिक खेलती है, वहाँ से वो टीम आई है। उन्होंने 100 स्टूडेंट्स ने वहाँ से पार्टिसिपेट किया है। वहाँ के जो नेशनल कोच है मिस्टर रोशन खान है, उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। कितने बच्चों को यहाँ आने का अनुमान हुआ है? यहाँ पर जो टोटल बच्चे खेले जो हमने कैलकुलेशन की है वो 482 स्टूडेंट्स आए हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अच्छा सर, बता रहे हैं कि जो जूडो कराटो के किंग साहब कहा जाता है, पीए गोरांग शायद, वो भी आ जाए हुए? जी हाँ, ग्रैंड मास्टर पीए गुरुंग जी यहाँ सर आए हुए हैं यहाँ पर, और मेरे वो गुरु रह चुके, उन्होंने मेरा टीच भी किया है और सब स्टेज पे भी बैठे हुए हैं। उनके सहयोग से ही, उनके सपोर्ट से ही ये इवेंट हो रहा है। अब आपको बच्चे गुरु कहते हैं, बहुत सारे बच्चे आपको गुरु कहते हैं, कैसा महसूस होता है आप? देखिए एक टाइम था, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आऊँगा, मैं पहले इस स्टेडियम में तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में हम लोग यहाँ खेला करते थे 90s में। आज मैं यहाँ टीच सिखाता हूँ और लाइक मैं यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है क्योंकि मैं कुछ बच्चों में टैलेंट दे रहा हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी गर्ल्स जो हमारे यहाँ गर्ल्स है ऑल ओवर इंडिया से जो यहाँ पार्टिसिपेट कर रही है, कुछ नया सीख के जा रही है, इवन सेल्फ डिफेंस टेक्निक्स भी यहाँ सीख के जा रही है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा सर, मुझे ऐसा लगता है कि नारी शक्ति को भी आप बहुत और मजबूती कर रहे हैं। जी, नारी शक्ति भी बहुत, क्योंकि देखिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज़ पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, तो उस चीज़ पे हम लोग भी काम कर रहे हैं। चलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। सच की रफ्तार के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जी मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में मैं काफ़ी घूमा हूँ, इवन मैं बाहर भी घूमा, मैंने हिंदुस्तान में कुछ ग्रामीण इलाकों में मैंने जाके देखा है कि जो पेरेंट्स है वो क्या करते हैं कि बच्चा 5वीं तक आ गया, 6ठी तक आ गया, वो बच्चा वहाँ तक ताइक्वांडो, उसके बाद जैसे बच्चा सीनियर क्लासेस में आता है उसके बाद वो स्टॉप करता है और सेल्फ डिफेंस पे वो बिल्कुल फोकस नहीं करता है, बस जस्ट एक आपका सिखाया एंड दैट्स इट, मतलब बच्चे का फ्यूचर लेवल पर नहीं। इस गेम से बच्चे का बहुत फ्यूचर, क्योंकि ये ओलंपिक स्पोर्ट्स है, बच्चा इसमें बहुत आगे निकल सकता है। सर नेपाल से भी कुछ बच्चे आए हैं? जी हाँ, नेपाल से 100 प्लस की गैदरिंग है हमारे यहाँ पर। चलिए, जैसे इन्होंने कहा कि बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन बहुत सारी कमियाँ कह सकते हैं, हमारे देश की समस्या कह सकते हैं, वो जो उनकी उभरती हुई प्रतिभा होती है वहीं की वहीं कई बार रुक जाती है। जी बिल्कुल है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जितेंद्र ठाकुर जी का और उनकी संस्था का, उनकी टीम का ऐसा कहना है कि अब उन प्रतिभाओं को आगे आने का अवसर दिया जाएगा। और जो नेपाल से बच्चे यहाँ चलकर आए हैं दिल्ली में, उनसे आपकी मुलाकात करते हैं और उनसे बात करते हैं। इस वक्त मैं तालकटोरा स्टेडियम में जो दिल्ली में है, वो यहाँ पर आज भारत और नेपाल का ताइक्वांडो कंपटीशन हो रहा है। कश्मीर से, जी हाँ, मेन कश्मीर से कुछ बच्चे चलकर आए हैं, बच्चों के साथ गुरु भी है। आइए कश्मीर की उभरती हुई प्रतिभा को आपके सामने उजागर करते हैं। श्रीमान जी नमस्कार। नमस्कार सर। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सईद सुजात शाह। अच्छा सर, ये आप अपनी टीम के साथ आए हैं, कश्मीर में जो है कन्याओं को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दी जाती ऐसा मुझे लगता है, और कि उन्हें एक पर्दे में ही रखा जाता है कि आप घर में रहिए, ये पढ़ाई तक करने पे बहुत सारे प्रतिबंध है। आपने जूडो कराटे के लिए इनको मार्शल के लिए तैयारी करा रहे, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? देखिए सबसे पहले जो कश्मीर में हमारी इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्ल्स स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ रही हैं, और ये इस्लाम में भी है, मतलब सेल्फ डिफेंस हर एक लड़की सीखनी चाहिए, तो ये ज़रूरी है। इस टाइम कश्मीर में जो हमारे कश्मीर की गर्ल्स हैं वो इस टाइम दिन ब दिन स्पोर्ट्स की तरफ बढ़ रही है,
और हमारी यही मैसेज है जो घर में बैठी हुई लड़कियां हैं उनको भी ताइक्वांडो की तरफ आना चाहिए और सेल्फ डिफेंस अपना बनाना चाहिए, क्योंकि जो इस टाइम हमारी लड़कियां इंटरनेशनल में खेल के आई हैं, इन्होंने मेडल्स निकाले हैं, ये एक गुड मैसेज है जम्मू कश्मीर रियासत के लिए। आने वाले समय में कश्मीर की इसी प्रतिभा को लेकर कुछ योजना है? आने वाले समय में हम यही मैसेज देना चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत बड़ा इवेंट करना चाहते हैं ताकि हम दूसरों को भी मैसेज दें जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। जैसे हमारे क्रिकेट में परवेज़ रसूल है, मंजूर पांडू जैसा प्लेयर है, फुटबॉल में भी हमारे बॉयज़ हैं, और वैसे ही हमारे जो सेल्फ डिफेंस के लिए इस टाइम जो गर्ल्स हैं मार्शल आर्ट में वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही हैं। जम्मू कश्मीर में हद से ज़्यादा टैलेंट है। मैं चाहता हूँ इंडियन ओलंपिक्स को और जो हमारी फेडरेशंस हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर पर फोकस करना चाहिए। आपसे वादा किया था कि नेपाल से आए हुए बच्चों से भी आपकी मुलाकात कराऊँगा। इधर नेपाल है, इधर नेपाल है, इधर भारत है, और बीच में आपका अपना राजन राही है। आइए सबसे पहले मुलाकात कराते हैं जो बाहर से आए हमारे गेस्ट है नेपाल से। क्या नाम है आपका? प्रसुना करण। कहाँ से आए आप? नेपाल से। भारत आके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लगा भारत में आके? भारत में बहुत सब कुछ, ये गेम यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हूँ ना मैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। घर से काल कटोरा स्टेडियम में पहली बार आए हो? पहली बार, दूसरी बार आई हूँ मैं। दूसरी बार आए हो। अच्छा, अभी तक आपने अपने नेपाल का नाम रोशन करने के लिए कौन कौन से मेडल जीते? गोल्ड मेडल जीते जी हाँ। आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? ये गेम को ही मैं कंटिन्यू दूंगी नेपाल के नाम के रोशन करने के लिए। बोला नेपाल से आगे भारत में भारत को हरा के जाओगे आप? भारत को हराना पड़ेगा तो हराऊंगी। ये तो जीत और हार का खेल, हाँ, की बात, खेल की बात है। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? मैं 11 पे। तो क्लास में जब आप जाती है अब मेडल जीत कर, तो प्रिंसिपल मारती है, टीचर मारती है आपको? नहीं, हम बहुत अच्छे करके आए हो कहती है। नहीं मारती है आपको? नहीं, आपको प्यार करती है। हाँ, सब लोग प्यार करते हैं। अच्छा। चलिए, हमारे चैनल के माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहेगी आप? कुछ कहना, कोई दिल की बात, मन की बात, जैसे मोदी साहब करते हैं मन की बात, आपके मन में कोई बात जो कहना चाहे आप? कहना तो बहुत कुछ आती हूँ पर हिंदी मुझे ज्यादा नहीं आती। एक लाइन बोल दीजिए। क्या कहना चाहती हूँ कि ये तेक्वांडो है ना, इससे सब गर्ल्स लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है, तो गर्ल्स लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल्स लोगों को ही सीखना चाहिए, क्योंकि अपने सेल्फ डिफेंस को भी अच्छा होता है ये गर्ल्स के लिए। सो हिंदी इतना ही आता है। एक ही बात में उसने बड़ी बड़ी बात कर दी ना, लड़कियों को ये सीखना चाहिए आत्मरक्षा के लिए, है ना? हाँ। बहुत गहरी बात कह गई। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 11 पे। हो सकता है लड़की आने वाले समय में बड़ी खिलाड़ी बने, और जैसे कि हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन एक लड़की कर रही है, अब उससे मुलाकात करते आइए। आपका क्या नाम है? हिमाक्षी बिष्ट। अच्छा, एक बात बताइए, कौन सी क्लास में पढ़ती है आप? 7th। कौन सा स्कूल? पून बजना। अच्छा, आपने ताइक्वांडो ही क्यों चुना, और भी बहुत सारे खेल? सेल्फ डिफेंस बहुत अच्छे से सिखाते हैं। सेल्फ डिफेंस ज्यादा अच्छे सिखाते हैं। कौन सिखाता है आपको सेल्फ डिफेंस? मिस्टर अनिल कुमार सर। अच्छा, आपको डर नहीं लगता कि मेरी हड्डी टूट जाएगी, चेहरा खराब हो जाएगा, मैं बड़ी होके मेरा फेस खराब हो सकता है? नहीं नहीं, इन सब का नहीं लगता। आपको कोई डर नहीं? नहीं। आपको सर अपने माँ बाप को भारत का नाम रोशन कर। अच्छा, कौन सा मेडल जीता है आपने अभी तक? अभी तक बहुत जीती है, 7 मेडल्स। आगे की आपकी क्या सोच है? आगे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करना, आजीवन तक आप ताइक्वांडो चलता रहे? हाँ जी। अच्छा, आप अपनी क्लास में जाती है, मॉनिटर है क्या आप? हाँ जी। तो लीडर भी बनेगी आप आगे आगे शायद। अच्छा अच्छा, आप मॉनिटर बन गई तो सारे बच्चे डरते होंगे आपसे क्लास में? नहीं नहीं नहीं, डरते, प्यार करते हैं। हाँ जी। आपने कभी क्लास में पिटाई करी किसी की? नहीं, कभी नहीं करी। नहीं। कभी करोगी? नहीं नहीं। जो गलत काम करेगा उसके डांटोगी पहले? हाँ। चलिए, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपसे, आपके दिल में कोई बात नेपाल के आए हुए बच्चों के लिए कुछ संदेश देना चाहेगी? ताइक्वांडो सबको सीखना चाहिए, सेल्फ डिफेंस के लिए, और आगे जाने में बहुत काम आता है जो आर्मी में जाना चाहते हैं। देखिए, दोनों लड़कियों का यही कहना है कि ताइक्वांडो सबको सीखना चाहिए, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है। और अगर कुछ बच्चे ताइक्वांडो सीखना चाहते हैं और अपनी प्रतिभा को छुपाकर बैठे, तो उन लड़कियों से प्रेरणा लें और इस खेल में आगे आए और अपनी रुचि दिखाए, अपने भारत का जिस भी देश में आप रहते हैं उसका नाम रोशन कीजिए। क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बिल्किसा निसार है, मैं जम्मू कश्मीर बडगाम से हूँ। हमने यहाँ पे इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया। अच्छा। और मैंने ब्रॉन्ज मेडल निकाला, वो सब सुजात सर की मेहरबानी है। हम यहाँ पे अलजवाद स्पोर्ट्स एकेडमी की तरफ से आए हैं। अच्छा, जब आपने फर्स्ट टाइम सोचा कि मैं भी मार्शल आर्ट करूँ, तो कुछ अड़चनें आई? जी नहीं, मैं मुझे घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया। सपोर्ट किया बहुत सपोर्ट किया। अच्छा, आपका क्या नाम है?
जी, मेरा नाम इर्तिका बशीर है, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और हमें यहाँ पे इंटरनेशनल मैच सिलेक्शन हुई थी और तो हमने आज खेला, हमने सबों ने मेडल्स निकाले, तो सुजा सर की वजह से इन्होंने हमें बहुत ही सपोर्ट किया है। घर वाले भी सपोर्ट करते हैं? हाँ, घर वाले भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। जो आपके साथ की लड़कियाँ हैं वो कैसे आपको मतलब क्या कहती है वो? नहीं, वो भी मतलब उन्होंने भी मुझे बहुत करेज किया है, बहुत ही मतलब मोटिवेशन किया है, मतलब मैं बहुत ही पहले वीक थी, उन्होंने उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मुझे, जो मैं मतलब मेरी सीनियर गर्ल्स है उन्होंने भी।